ग्रेटिट्यूड ग्रीटिंग्स. लाइफ इज हेवन बिकॉज ऑफ वंडरफुल पीपल. अनु भटनागर जी इज वन सच ग्रेट लीडर. यस, शी इज द कंट्री चेयर ऑफ G100, वॉलंटियरली लीडिंग, हेल्पिंग, सर्विंग. शी इज अ हीलर, कोच, राइटर एंड व्हाट नॉट. शी स्पेशलाइजेस इन वुमेन हेल्थ इक्विटी. She's an advisor. She's a great healer and a beautiful human being. Welcome, Anuma. Thank you very much for that wonderful introduction, which was absolutely phenomenal. Thank you so much. What is the secret of your humility? The secret of my humility is, I think, my parents. Thank you to your parents. What is the secret Yes. of your overflowing selfless love for the humanity, like Oprah, Maya Angelou, Tatas? Itna sara pyar kahan se laate ho aap? इतना सारा प्यार मैं लाती हूँ क्योंकि शायद मुझे एक हीलर बनाकर इस दुनिया में भेजा गया था और बचपन से ही ट्रेडिशनली मैं थोड़ी मिसफिट थी हर जगह पे, स्कूल में, कभी कभी घर में भी, फंक्शंस में, लोगों के साथ. तो लगता तो नहीं है। पहले से पता चल गया था कि कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ शायद, जो कि शायद मुश्किल तो रहेगा मगर थोड़ा अलग सा भी रहेगा. सबके पास 24 घंटे होते हैं, आपके पास 48 घंटे हैं। इसका क्या राज है कि आप वॉलंटियर कर रहे हो, हील कर रहे हो, फैमिली संभाल रहे हो, सबको संभाल रहे हो, ऑल अक्रॉस द ग्लोब काम कर रहे हो, कैसे? आई थिंक इट्स जस्ट बाई गॉड्स ग्रेस. रियली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दिल से कुछ करना चाहते हैं ना तो टाइम मिल ही जाएगा. और कुछ अमेजिंग। डिसिप्लिन भी है उसमें. डिसिप्लिन के बिना नहीं हो पाता है काम कुछ भी. भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ साथ थोड़ा अपना भी परिश्रम चाहिए होता है लाइफ में, अपना भी एफर्ट्स चाहिए होते हैं, कुछ खुद से भी करना पड़ता है. वरना सिर्फ भगवान जी भी कहेंगे कि बेटा मैंने तुम्हें दिमाग दे के भेजा था, उसको यूज क्यों नहीं करा, सिर्फ मेरे भरोसे क्यों बैठे रहे. No energy leakage, complete discipline, and yes, डिसिप्लिन, यस. it's a balance of hard work with grace, which leads to miracles. एब्सोल्युटली राइट. आपको तो Please, पता ही, आप खुद भी ऐसे ही कर रहे हैं. नहीं अभी हमने अभी पैदा हुए हैं, अभी आपके तो बच्चे हैं. So, as a healer, what are your 3 messages to our viewers? 3 messages will be: one, today we are very fortunate and privileged. जो हम लोग हैं और जो भी हमारे टाइम पे बच्चे हैं जिन्होंने पैदा होते ही मोबाइल हाथ में ले लिया, स्पेशली वुमेन, जो महिलाएं हैं वो, तो हमें वो जो प्रिविलेज है, हमारे पास में जो एक मौका है ना रियली में जिंदगी में दुनिया में चेंज लाने का, वो गंवाना नहीं चाहिए. Dr. Kiran Bedi also said the same thing, that one woman, the power you have to change the society, can bring revolution, and you are that. Amazing. क्या वो तो हमारी सभी की गुरु हैं. जब हम लोग बच्चे थे तब वो ऐसा काम कर रही थी डॉक्टर किरण बेदी के, मेरी जनरेशन के सभी लड़के लड़कियां उनको देखते थे और सोचते थे कि अगर हम भी कुछ उनके जैसा कर पाए. उन्होंने तो हिंदुस्तान में महिलाओं के लिए जो मिसाल अपने टाइम में कायम की थी वो सभी लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है. तो एक तो आज भी कर मैसेज रही है। है मेरा हीलिंग का कि महिलाओं को स्पेशली है, लड़कियों को है, कि हमारे से पहले की औरतें जो थी, आपकी मदर, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर्स, उनके पास वॉइस नहीं थी. वॉइस थी तो मीडियम भी नहीं था.
विजडम थी लेकिन वो दबा के रखी हुई थी सोसाइटी ने। लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जो वो नहीं कर पाए वो करें और उससे बढ़ के आगे करें, क्योंकि हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। और दूसरा मैसेज ये है कि थोड़ा सा अपने दिल के अंदर जो दया है, जो अच्छे संस्कार जो हमें अपने सब सबको माता पिता अच्छी बातें सिखाते हैं, उन सबको भूल नहीं जाए, क्योंकि उसको भूल जाना थोड़ा आसान है। आजकल सभी बिजी रहते हैं, सभी लोगों के पास बहुत काम है, बच्चे भी आजकल के, मैं तो बच्चों से बहुत इंस्पायर होती हूँ, बच्चे इतने स्मार्ट हैं आजकल। 10 साल का बच्चा इतना सब कुछ सीखता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, पढ़ाई करता है, उनको सोशल सोशल इश्यूज के बारे में इतना ज्ञान है। हम लोग तो बहुत ही बुद्धू थे, हमें सिर्फ अपना इमीडिएट एनवायरमेंट ही पता था, हमें कुछ नहीं पता था उसके बाहर क्या हो रहा है। हम लोग पेड़ों पे चढ़ के खुश हो जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे आपको इतना कुछ सिखा सकते हैं, तो वो जो थोड़ा सा अपने दिल में इनोसेंस है उसको कायम रखिए, उसको दुनिया, काम, सोशल मीडिया, सक्सेस, पार्टी, उन सब के साथ साथ उसको भूल मत जाइए, क्योंकि वो जो इनोसेंस है वो ही आपको आपकी इंट्यूशन तक ले जाएगी, आपको सही टाइम में जो इंट्यूशन होती है उसको जागृत रखने में मदद करेगी। और तीसरा मैसेज मेरा सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, प्लीज जो आपको सोसाइटी ने कंडीशनिंग दी है ना, उसको थोड़ा सा आप तोड़ दीजिए। ये टाइम अब आ गया ऐसा कि जो भी हमें सिखाया गया है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां लड़कियों की दुश्मन होती हैं, लड़कियां दूसरी लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, इट्स ऑल अ मिथ। वो मिथ है जो हमें बताया गया और हमने सुन लिया और मान लिया, थैंक यू G100। उसको छोड़ने का टाइम आ गया। ऐसे करके छोड़ दीजिए उसको, साथ सामने पड़े कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। एक 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 लड़की जब जीतती है तो सारी लड़कियां जीतती हैं। वुमेन सपोर्टिंग वुमेन इज द मंत्रा आई वॉन्ट एवरी वुमेन एंड एवरी गर्ल टू लिव विद। वो दंगल में भी यही बोला था आमिर खान ने, और G100 की भी विजन यही है जो आप काम कर रहे हो ग्लोबली इन ऑल बिल्कुल, द कंट्रीज। यस, वेरी ब्यूटिफुल। एज ए कोच, अगर आपको एक लाइन में कुछ बताना हो हमें, सनी जाओ जी लो अपनी जिंदगी। वही बताऊंगी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइन में मैं अपनी जिंदगी का उदाहरण आपको देके बताती हूँ कि दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज टेकन, नेवर गिवन, मैंने कहीं पढ़ा था। सही बात है, क्योंकि हम तो ऐसे ही भगवान भरोसे बैठे थे, भैया जो किस्मत में होगा हो जाएगा, काम करते रहूं। वो टेक चार्ज। एंड आपने एक और बात अच्छी बोली, कोई आके धक्का थोड़ी मारेगा, इट इज ऑलवेज टेकन नॉट गिवन। वेरी गुड। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जो है ना इंसान में खुद से ही आती है, और उसको लाने की जो ट्रेनिंग है वो भी हमारी खुद की ही है। हम ये नहीं कह सकते कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने की माँ बाप पर ही है, या स्कूल पर हाँ, है, या टीचर्स पे है, या किसी पर भी है। आज किसी के को टाइम पेरेंट्स में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ने नहीं हम सिखाया, टीचर ने नहीं सिखाया, स्कूल सिस्टम ने नहीं सिखाया। मैं तो मिडिल क्लास में हूँ, मैं तो Tier 2 सिटी में हूँ, मेरे को एक्सपोजर नहीं मिला, मैं तो कॉलेज नहीं गया। आज के टाइम में ये सब बातें जो है ना वो कोई वैल्यू नहीं रखती, एक टाइम पे रखती थी। क्योंकि चलो आप ठीक है, इंटरनेट लेके एक छोटे से गांव में गंगा किनारे बैठ के, अपने गांव के तालाब के किनारे बैठ, बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, इतना मेहनत आजकल हर गांव में बैठा बच्चा भी कर रहा है। हमें शहर के लोगों के पास तो कोई एक्सक्यूज बचा ही नहीं है अब। सही बात है। सो नो एक्सक्यूज, नो ब्लेम, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिमेम्बर इट इज नॉट गिवन, इट्स टेकन। ओके, थ्री हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है। अच्छा जी, मेरी लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट,
पहले तो था जब मुझे पता चला कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, जो कि मुझे पता चला था जो मेरे गुरु हैं, मेरे जो मास्टर हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, ओशो भगवान रजनीश, उनकी किताबें पढ़ पढ़ के मुझे मालूम चला था कि मेरे लाइफ में जो मुझे करना है वो हीलर ही बनने का, वो दोस्त सर्विस में, लोगों की सर्विस में रहने का। तो मेरे आगे पीछे जितना द्वंद था ना मानसिक, के क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हो कैसे नहीं हो, वो हट गया था। दूसरा हैप्पीएस्ट मोमेंट ये था जब मेरे घर में मेरी सिस्टर्स के छोटे छोटे बच्चे हुए थे। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि मुझे उनका रोल मॉडल बनना है। मुझे ऐसा हाँ, लगा था, मुझे नहीं पता उन्हें क्या लगा था नहीं, आप रोल लेकिन मॉडल हो, आज भी हो, टू मेनी, नॉट जस्ट टू योर फैमिली. आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड थर्ड, आई वॉज एक्चुअली वेरी हैप्पी ऑल्सो जब मैं अपने जो पर्सनल चैलेंजेस थे उनको पार करते करते मुझे एक टाइम लगा कि लाइफ इसी का नाम है। एक लाइफ तब नहीं शुरू होगी जब सब खत्म हो जाएंगे चैलेंजेस। जर्नी जो लाइफ की है वो एवरीडे जर्नी रोज की है। रोज सुबह उठो, आई एम हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी। शुक्र है, बहुत बढ़िया. अब वन वर्ड खेलते हैं, लाइफ इन वन ओके, वर्ड. लाइफ इन वन वर्ड इज अ मैजिक। गुरु इन वन वर्ड. ओशो, वुमेन इन वन वर्ड. मल्टी डायमेंशनल, कोचिंग इन वन वर्ड. हीलिंग अवेयरनेस, इन वन वर्ड. एक्सेप्टेंस, अनु इन वन वर्ड. अ लर्नर, आई विश यू ऑल द लर्निंग बाय गिविंग, लर्निंग बाय टीचिंग, एंड यू कीप इंस्पायरिंग मैनी 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 एवरी डे, जस्ट लाइक यू थैंक यू। डू. आई एम थैंकफुल टू यू एंड ब्लेस्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू. थैंक यू सो मच अनु मैम. थैंक थैंक यू. यू वेरी मच सनी जी। आई होप एंड आई प्रे दैट यू कीप स्माइलिंग जस्ट द वे योर सन इज स्माइलिंग नेक्स्ट टू यू। इट्स वंडरफुल। थैंक यू।